जी ठीक है भैया। अरे गुलशन भाई आप भी दुख पास हमको राशन नहीं मिलता है। अच्छा हाँ, ये जो सामान पकड़ाया है किसका है? ये अरुण डीलर का है। अच्छा, ये कितना बजे आप लोग पकड़े इसको? देखिए हम नहीं पकड़े, हमारा युवक ग्रामीण पकड़ा। तो कै बजे का? साढ़े चार बजे एकदम सुबह में न। हाँ, रोज जाता था, एक थला दो थला के रोज जाता था, मगर आज पकड़ा गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय मैं आपको एक सुबह सुबह जो एक जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं वो आपके पांव तले की ज़मीन सरका देगी। जी हां, मामला ही कुछ ऐसा है जहां किसान 18 रुपए किलो गेहूं बेच करके भी तंग हाल की ज़िंदगी जीने को विवश हैं, वहीं 2 रुपये किलो बेच करके डीलर आज किस स्तर तक अपनी हैसियत को बना पा रहा है ये जग जाहिर है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बलिया अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत नुरजमापुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 का डीलर अरुण कुमार के विषय में वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि वो पूरी रात सिर्फ और सिर्फ रिलीफ के गेहूँ और चावल को बेचने का धंधा बनाए हुए हैं, जिसे आज ग्रामीणों ने रंगे हाथ भी पकड़ लिया। ठेले पर ले जाया जा रहा गेहूं जिसे आप देख सकेंगे, और ठेले वाला जो ठेला चालक है वो, उससे भी जब मैंने पूछा कि ये गेहूं किसका है, ये चावल किसका है, तो उसने बताया कि ये चावल सर अरुण डीलर का है। जी हाँ, ये वही अरुण डीलर हैं जो वार्ड नंबर 1 से आते हैं, नुरजमापुर पंचायत से आते हैं। वहाँ के ग्रामीणों ने धर दबोचा। 4:30 बजे सुबह की घटना है। मैं आपको सबसे पहले सबसे तेज बेगूसराय टुडे आपको न्यूज़ कवर करके दे रही है। तो आप जहां जिलाधिकारी हमेशा सजग और चुस्त और दुरुस्त नज़र आते हैं, हर बात को लेकर के दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, प्रखंड स्तरीय टीम जनवितरण प्रणाली पर शिकंजा कसने के लिए बनाई जा रही है, वहां डीलर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब डीलर से इस बाबत मैंने सवाल किया कि जो ठेले चालक हैं वो भी बता रहे हैं कि वो सामान आपने उन्हें दिया है किसी व्यापारी को देने के लिए, तो उन्होंने बताया कि यह एक साजिश है और साजिशन मुझे फंसाए जाने की कोशिश की जा रही है। अब आप निर्णय कीजिए और अपना निर्णय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आपको भ्रष्टाचार से लड़ना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानी है, तो आप इस न्यूज़ को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि संबंधित अधिकारी इसकी जांच सुनिश्चित कर वहां के आम आवामों के बीच राहत पहुंचा सकें। किसका ठेला है? आपका ठेला है? हमारा ठेला है, हम भरा बाजार है। कहाँ से आए थे? यही बगले से। बगले से मतलब कहाँ? जगह का नाम बताइए। जगह अमेरिकन नगर। सामान किसका है? 5 महीने गद्दी ले जा रहे थे। किसका है? मतलब चावल लेने अरुण डीलर यहाँ से ले जा रहे थे। अच्छा, आपको दिए थे? कहाँ भेजने? मतलब व्यापारी चल गए, हमको ठेला वाले है ना आदमी बोला कहाँ से ले जा, मतलब व्यापारी को देने जा रहे थे। हाँ, व्यापारी देने जा रहे। किसका? किसी डीलर का बताया? हाँ, हमको 200 रुपया देता था डीलर यहाँ से, हम लेकर। क्या नाम हुआ आपका? ये वो था, 2 आदमी था, वो भाग गया, वो हम अकेले। क्या नाम है आप? मिठू सा। घर? घर ऊपर टोला। इस बोड़ा के संबंध में कोई कुछ बताएंगे? राशन नहीं मिलता है। अच्छा, आपको राशन नहीं मिलता? नहीं, कार्ड है सर, नहीं राशन मिलता है। फ्री वाला तो मेरा कहा कि जाइए यहाँ से, नहीं मिलता है। कौन कहा? लीडर डीलर कहा। हाँ। क्या नाम है डीलर का? डीलर का अथी नाम है सर, अरुण डीलर। अच्छा, अरुण डीलर। कार्ड हमरो कार्ड नहीं है, कह गए कि सर फ्री वाला मिले 10 किलो कम से कम देखिए, 8 परिवार छे। कल कि हाँ बाढ़ वाला रिलीफ मिले जहाँ अलो द्वार पर मांग। कौन बोले? अरुण डीलर। अरुण डीलर, ये सामान आप लोग पकड़े हैं? नहीं, जुका पकड़ के समाज के पकड़े हैं सर। जितना लोग है कुल पकड़ा है। 4 बजे घटना हुआ, 4
बजे भोर में घटना हुआ है, लगता है 3 बजे रात से जा रहा है सर राशन उठ के। ये बात है कि नहीं जा रहा है? 4 बजे 3 बजे रात से जा रहा है राशन, तब तो पकड़ाया है। रात घूरने के लिए निकलता है 3 बजे रात से, लड़का कुल दौड़ने के लिए, लड़की कुल निकलता है हवा खाने के लिए, तब तो पकड़ाया राशन। जी, जो अनाज अभी ग्रामीण जो बोल रहे हैं उसके विषय में आपका क्या कहना है? ग्रामीण क्या बोल रहे हैं? ग्रामीण बोल रहे हैं कि वो आपका अनाज है और बेचने के लिए कहीं जाया जा रहा था। हमारा अनाज वो नहीं है। वो आपका अनाज नहीं है, लेकिन जो लेके जा रहा है ठेला चालक वो तो आप ही का नाम बता रहा है। वो हो सकता है कोई साजिश हो, यही बात हम नहीं मानते हैं, लेकिन हमारा जो स्टॉक है जो बोल रहा है हम तो माल देवे नहीं किए हैं। आपने दिया नहीं? जी नहीं। लोग फिर ग्रामीण तो और भी आरोप लगा रहे हैं कि आप राशन भी कुछ कम ही देते हैं और किसी किसी को तो देते भी नहीं। जिसके पास कार्ड है आप देख लीजिए, कार्ड के बिना कार्ड वाला को हम कैसे दे, चूंकि पास मशीन का बात है, मशीन के हिसाब से हमने दिया, जिसका कार्ड है। अच्छा, ये मशीन पे थंब आप लगाते हैं या सारे कस्टमर? पहले तो हम लगाते थे लेकिन बाद में हो गया पब्लिक का, बाद में अभी पब्लिक लगा रहा है। आपको नहीं लगता कि इससे संक्रमित होने का खतरा बढ़ेगा? बढ़ेगा तो क्या करें, सरकार को जो निर्देश होता है वो हम करते हैं। आप नेता हैं और दलित वर्ग के नेता से आते हैं और संयोग ऐसा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष वो सामान पकड़ाया है। आप सच बताइएगा कि आखिर माजरा क्या है? ऐसे तो देखिए, ये तो पूरे देश पैमाने पे भीषण महामारी है और इस भीषण महामारी में जो सरकार के द्वारा गरीबों को अनाज दिया जा रहा है, डीलरों को ईमानदारी पूर्वक गरीब लोगों के बीच में वितरण करना चाहिए, क्योंकि हर लोग देश पैमाने पे गरीबों का सहयोग कर रहा है। अगर इस तरह का काम अगर डीलर कर रहा है तो ये तो गरीबों के साथ अन्याय कर रहा है। कौन से डीलर कर रहे हैं ऐसा काम? अब जो भी करे, जिसका भी गल्ला हो। आप तो स्थानीय लीडर हैं, लोग तो बता रहे हैं अरुण कुमार कोई डीलर है। ऐसी इसकी जानकारी हमको नहीं है कि किसका दाना है, लेकिन हम ठेला पे दाना देखे हैं। उस दाना के विषय में क्या बताएंगे, कोई डीलर का है कि किसी किसान का है? जी नहीं, दाना जो उसमें चावल है उससे स्पष्ट होता है कि डीलरों का दाना है, उस चावल से स्पष्ट होता है कि डीलरों का दाना है। जो यहाँ के ग्रामीण सरेआम डीलर के द्वारा बेचे गए अनाज को जो है ग्रामीण पकड़े हैं, क्या लगता है इसमें कौन कौन लोग मिले हुए? देखिए, इसमें सीधी सी बात है, सिर्फ डीलर का कर्तव्य यह नहीं हो सकता है। जब तक बलिया प्रखंड और अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी इसमें नहीं मिले हुए हैं, तब तक यह डीलर का इतनी हिम्मत नहीं हो सकता है कि इस तरह से सरेआम अनाज बेचेगा। आज यह विश्व स्तरीय महामारी फैला हुआ है, उस महामारी में अगर डीलर इस तरह का गरीबों को हक मारकर व्यापारियों को अपना अनाज, जो गरीबों को अनाज मिलना चाहिए वो अनाज व्यापारी को बेच रहे हैं, इसका क्या कारण है? जब तक इसमें बलिया अनुमंडल से लेकर, हम तो कहते हैं कि पूरा जिला का पदाधिकारी इसमें सम्मिलित है, तब जबकि पूरे जिला को यह सूचना है कि डीलर के द्वारा अनाज जो है गरीबों को नहीं देकर सरेआम व्यापारी को बेचा जा रहा है। पीला कार्ड पर 5 पर यूनिट के हिसाब से 5 केजी अनाज है, लेकिन यहाँ गरीबों को मात्र 20 केजी फिक्स करके दिया जा रहा है। क्यों? जबकि ऊपर से आदेश है कि 5 केजी पर यूनिट के हिसाब से अनाज देना चाहिए, लेकिन यहाँ चाहे 9 यूनिट रहे या 8 यूनिट रहे, लेकिन उसको फिक्स करके 5 केजी अनाज दिया जा रहा है। क्यों? जबकि इस महामारी में गरीबों को जो है अनाज देने के बजाय यह जो है व्यापारियों को अनाज बेचा जा रहा है। क्या मांग है आपको? हमारी मांग है कि इस डीलर के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरे बलिया अनुमंडल में सारे डीलर का यूनिट जांच हो और जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उस डीलर के ऊपर, ताकि फिर दोबारा ऐसा हरकत नहीं करे, क्योंकि यह आज नया का घटना नहीं है, इससे पहले भी कई एक बार ये लगातार चलते आ रहा है राशन बेचने का। गहूँ का रेट है 2 रुपए, देता है 3 रुपए, सरदर्जी लेना है तो लो, जाओ जहाँ जिसको जाना है जाओ। फ्री वाला गहूँ, फ्री वाला जो अनाज है चावल चावल है वो जो है ना सर हजूर, जिसको 4 कोटा है 4 यूनिट है तो 20 किलो देता है, अंतोजा वाला के 20 किलो से बेसी देवे नहीं करता है, 20 किलो देता है। दो खपास हमको राशन नहीं मिलता है। अच्छा, हाँ, ये जो सामान पकड़ाया है किसका है? ये अरुण डीलर का है। अच्छा, ये कितना बजे आप लोग पकड़े इसको? देखिए, हमने पकड़े, हमारा युवक ग्रामीण पकड़ा, तो कै बजे का? 4:30 बजे, 4:30 बजे एकदम सुबह में ना? हाँ, सुबह में रोज जाता था, एक थला दो थला के रोज जाता था, मगर आज पकड़ा गया। लेता है कौन चीज? किरासन तेल। अच्छा, आ 3 पौवा देता है, 50 रुपया ले।
तीन पौवा देता है, लेना है लेना तो घसको।